किताब गुनिया तो तालेबीन विचो मैं इस दिन की अजमत पढ़ के सुना लगा कि शाहे जिलान ने यारवीं वाले पीर ने अपने कलम नाल इस दिन की अजमत का जिक्र की फरमाया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने शूरा के रोजा के साथ हमको बड़ी फजीलत अता फरमाई है, दिन दसवें दिन का रोजा रखन दी। हुजूर ने फरमाया हाँ ऐसा ही है, क्योंकि इसी दिन अल्लाह ताला ने अरश कुर्सी सितारों और पहाड़ों को पैदा फरमाया। लौहो कलम शूरा के दिन पैदा किए गए, जिब्रील और दूसरे मलाइका को शूरा के दिन पैदा फरमाया, हजरत आदम और हजरत इब्राहिम को शूरा के दिन पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को आतश नमरूद से अशूरा के दिन निजात बख्शी और उनके बेटे हजरत इस्माईल का फिदिया यानी ईद बकर ये भी अशूरा के दिन है। फिरौन को शूरा के दिन गर्क किया, हजरत इदरीस को शूरा के दिन आसमानों पर उठाया, ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी अशूरा के दिन हुई। ए ओ कुछ सुना रहे हैं जो गौस पाक ने अपने कलम ना लिखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत ने इसी दिन तवज्जो फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों और इंसानों पर हुकूमत इसी अशूरा के दिन अता हुई। खुद अल्लाह ताला अपने अर्श पर जब उसने इस्तिवा किया जलवा फरमा हुआ तो भी अशूरा का दिन था। क्यामत भी अशूरा के दिन आएगी, आसमान से सबसे पहली बारिश अशूरा के दिन उतरी, जिसने अशूरा के दिन गुसल किया वो मर्ज़ुल मौत के सिवा हर बीमारी से महफूज हो गया। कल जड़ा दिन आ रहा, जिसने अशूरा के दिन पत्थर का सुरमा आंख में लगाया तमाम साल उसको आंखों की तकलीफ नहीं होगी। जिसने अशूरा के दिन किसी बीमार की बीमार पुरसी की, एक बीमार की बीमार पुरसी की मगर उसे इतना सवाब होगा गोया उसने सारी औलाद आदम की बीमार पुरसी की। जिसने अशूरा के दिन किसी को एक घूंट पानी पिलाया उसने गोया एक लम्हा भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। एक गल पल्ले बनो कि रब ने कुरान च फरमाया बंदियां नू रब दे दिन याद दिलाओ, सूरा इब्राहिम आयत नंबर 5 अल्लाह फरमांदा है बंदियां नू अल्लाह दे दिन याद दिलाओ। किवें दिलाइए? यह जिहड़ा तरीका अख्तियार किया जाए किड्डा बेहतरीन तरीका है, किन्नियां खूबियां कट्ठियां हो गई। हजूर फरमाते ने सब तो वड्डा अमल है बंदियां नू खाना खिलाना, एडा अहम मसला है। जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने पहले दिन हजूर की जियारत की थी ना मदीने शरीफ, पहले दिन खजूर के दरखत चढ़े सन, खजूर उतारन रहे सन, इन्हां दी फुफी खजूर कट्ठियां करके टोकरे च पान रही सी, उत्तों खजूर उतार उतार के सुट्टदे सन। एक यहूदी गुजरिया दूसरे नूं आवाज़ दे के कहिंदा हो जा कि वो आ गए ने, इशारा सी रसूलुल्लाह मक्के तो हिजरत फरमा के यसरब च आ गए ने। अब्दुल्ला बिन सलाम खजूर के दरखत के उत्ते कहिंदे ने अल्लाह अकबर, फुफी खजूर कट्ठियां करनियां छड़ दित्ती, कहन लगी वे अब्दुल्ला वे किधे आउण ते नारे लाने, कौन आया?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਬਿਨ ਇਮਰਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੀ ਮੂਸਾ ਬਿਨ ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਬਿਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਆਏ। ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੰਨਾ ਨੁਖਬਰ ਅੰਨਹੁ ਯੁਬਅਸੁ ਮਾਸਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲ, ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਖਾਜਾ ਕੁਤਬ ਫਰੀਦ, ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਸੱਚੇ ਆਲਮ ਸਨ ਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਲਮ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੋਹਫੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁਲਸੂਮ ਬਿਨ ਹਦਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕੁਲਸੂਮ ਬਿਨ ਹਦਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਫ ਤੋ ਅਨ ਹਾਜ਼ਲ ਵਜਹਾ ਲਈ ਸਭ ਵਜਹਿਨ ਕਜ਼ਾਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਦ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਆਮੀਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਲਸੂਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਮੇਤ ਯਕੂਲ ਅਬਸ਼ੁ ਸਲਾਮ ਵਸਿਲੁਲ ਅਰਹਾਮ ਵਾਤਿਮੁ ਤਾਮ ਵਸੱਲੁ ਬਿਲੈਲ ਵੰਨਾਸੁ ਨਿਆਮ ਤਦਖਲੁ ਜੰਨਤ ਬਿਸਲਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਜਾਂ ਲੱਭ ਖੋਲੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਜਾਂ ਲੱਭ ਖੋਲੇ, ਬੋਲੋ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਜਾਂ ਲੱਭ ਖੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਜਿੱਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਜਿੱਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬਸ਼ੁ ਸਲਾਮ ਵਸਲੁ ਰਹਿਮਤ ਮੁਤਾਮ ਵਸਲੁ ਬਿਲੈਲ ਵੰਨਾਸ ਨਿਆਮ ਤਦਖਲੁ ਜੰਨਤ ਬਿਸਲਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਣੀ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਤਰਜਮਾ ਸੁਣੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਤੇ ਮੁਤਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ, ਆਤੇ ਮੁਤਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਸੱਲੁ ਬਿਲੈਲ ਵੰਨਾਸੁ ਨਿਆਮ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਦਖਲੁ ਜੰਨਤ ਬਿਸਲਾਮ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
चार काम कर लो आसानी ने दाखिल हो जाएगी। उन्हें चौवां चो एक काम दसिया ते मुताम खाना खिलाया करो, लंगर खिलाया करो एक दूसरे को। ते गौस पाक की यारवीं की बरकत वेख लै, वो लंगर अमीर भी खा लेंदे ने ते गरीब भी खा लेंदे, छोटे भी खा लेंदे ने ते वड्डे भी खा लेंदे, बच्चे भी खा लेंदे ने बच्चियां भी खा लेंदे। इंज समझो कि गौस पाक की यारवीं का लंगर पकाना ये रसूलुल्लाह दे हुक्म ते अमल के खाना खिलाया करो। साहबदार खिलाने वास्ते पकाया जाता साहबो, अल्लाह के दिनों याद करो। ये जिमन च यारवीं शरीफ का तस्करा होगा तो गौस पाक की शान बेमिसाल बयान होगी। पहलू हदीस सुन लो अल्लाह के दिन केड़े ने। कुरान पाक चो वजाहत कर दी जेड़े दिन मूसा अलैहि सलाम ने अपनी 6 लाख के करीब कौम को फिरौनिया के जुलम तो बचा के रात अद्धी दे वेले अद्धी रात दे वेले बचा के लै गए। कुरान फरमाते वह अल्लाह का दिन है तो हजूर के फरमान में तो गौस पाक की वजाहत चो वाजे हो गया वह दिन अशूरा का दिन सी। केड़ा दिन सी? ते अशूरा दे दिन का जिक्र करने का कुरान ने हुक्म फरमाया। फिर मैं गौस पाक की किताब गुनिया तो तालेबीन चो पढ़ के दसिया केड़ी केड़ी शह अशूरा दे दिन पैदा हुई, अशूरा दे दिन की बरकत की ने। आओ जी मैं हदीस सुना लगा, पता चले साडे अब्बा जी आदम अलैहि सलाम का दिन मनाते सन गौस पाक। गौस पाक सारी जिंदगी अपने बाप आदम अलैहि सलाम का दिन मनाते सन। वो दिन कहड़ा सी? अशूरे का दिन। कहड़ा सी? हदीस सुन लो ताकि बरकत हो जाए। अन अबी लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना यौमल जुम्मा सैयदुल अय्याम आज़मुहा इंदल्लाह हुव आज़मुहा इंदल्लाह मि यौमिल अदहा व यौमिल फितर फी खम्सु खिलाल खलकल्लाहु फीहि आदम व हबतल्लाहु फी आदम इलल अर्द व फीहि तवफ्फल्लाहु आदम व फीहि सातुन ला यसलब्दु फीहा शैय्यन इल्ला आताहु मा लम यसल हराम व फीहि तकूमु सातु हु कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। ओ लफज पढ़ के सुनाए जो साडे सोहने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम दे मुंह चो निकले। अल्लाह उस मुँह का दीदार ता फरमा जिन्हों शौक आखिया आमीन, थोड़ा शौक है तो थोड़ी वाद नाल जे ज्यादा तो ज्यादी नाल आखो आमीन। हदीस पढ़ी है तर्जमा सुनो। हजूर फरमाते ने रब्बुल आलमीन ने जुम्मे नू बड़िया अजमतां तां फरमाइया ने। जुम्मे की अजमत अल्लाह की बारगाह विच ईद बकर तो भी वादे, ईद फितर तो भी वादे। हजूर का फरमान पढ़ के सुना मिशकात शरीफ और दीगर वड्डियां किताबों में मौजूद है। नबियां दे इमाम फरमाते ने जुम्मा सारे दिनों का सरदार है, जुम्मा सारे दिनों का सरदार है। सुनो किवें सरदार है? फरमा जुम्मे की असमत अल्लाह की बारगाह च ईद बकर तू भी वध, ईद फितर तू भी वध। लोग तो कई इस गल रोंदे ने ना तीसरी ईद कितों आई, साडे हजूर ने जुम्मे नूं दोनों ईदां तों वड्डी ईद करार दित्ता है। जिथे मर्दी बांध चुके बयान करो एक पक्कियां पीढ़ियां गल्लां ने। फरमाया जुम्मे की असमत अल्लाह की बारगाह च ईद बकर तों भी ज्यादा, ईद फितर तों भी। बोलो ना, ईद बकर तों भी ज्यादा, ईद फितर तों भी। क्यों? साडे हजूर ने वजह भी बयान कर दित्ती। वजह जिन्हों समझ आवेगी ना सुभान अल्लाह आखेगा। फरमाया खलक अल्लाह फीह आदम। फरमा जुम्मे की असमत की वड्डी वजह ये वे कि अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम नू पैदा जुम्मे वाले दिन किया, पैदा जुम्मे वाले दिन किया। फरमाया दूसरी वजह ये कि जुम्मे वाले दिन आदम अलैहि सलाम की जन्नत विचों जमीन ते आमद हुई। तीसरी वजह कि आदम अलैहि सलाम फौत भी जुम्मे नू होए। चौथी वजह फरमा जुम्मे में एक ऐसी घड़ी आती है उस वेले बंदा अल्लाह को जड़ी दुआ भी मंगे अल्लाह ता फरमा दे। हर जुम्मे एक ऐसा वेला होंगे बशर्ते कि बंदा हराम चीज़ ना मंगे, नजायज़ चीज़ ना मंगे।
जायज जो भी मंगले भावे इस दुनिया की नियमत मंगले या उस जहान की नियमत मंग ले जो भी जायज मंगी अल्लाह देवेगा। ऐसा वेला होंगे जुम्मे च चार खूबियां सुनिया पंजवी सुनो फी है तो कू मुसा तो फरमाया क्यामत भी जुम्मे वाले दिन कायम होगी उदन भी अशूरे का दिन होगा। साढ़े बाप आदम की पैदाइश का दिन भी अशूरा तवज्जो है पैदाइश का दिन भी अशूरा जो इन्ना खास दिन तो कुरान पाक में हुक्म है बंदियां नूं अल्लाह के दिन दसो बंद कमरे च वड़ के दरवाजा अगू बंद करके बंदा घर च बह के आखिए अल्लाह का दिन ही अल्लाह का दिन ही अल्लाह का दिन इस तरह दसे नहीं लंगर पकाओ महफलां सजाओ इश्तिहार छुपाओ दोस्तों नूं बुलाओ टेंट लाओ शामियाने लाओ दोस्तों नूं दसो अज अल्लाह का दिन है अल्लाह का दिन ना को योमे वलादत ना को योमे वफात ना उदी शादी का दिन ना सालगिरह का दिन ते कुरान ने केड़े दिनां नूं अल्लाह का दिन कहा है जिथे मर्जी बांह चुक के कह जेड़े दिन मूसा अलैहि सलाम दे वसीले आपकी कौम नूं नजात मिली है कुरान कहिंदा अल्लाह का दिन ते ओह वी अशूरे का दिन। गौस पाक सारी जिंदगी जदों वह दिन आउंदा सी ना अशूरे का अपने बाप आदम नूं याद करन वास्ते जद अमजद इब्राहिम नूं याद करन वास्ते इस्माइल की कुरबानी नूं याद करन वास्ते आप लंगर पका के खवांदे सन गौस पा के यारवीं का खत्म दवांदे सन पहले बजुर्गों का ते इन्ना इहतमाम करदे हन धुम पै गई गौस पाक के नाम लड़ी के गौस की यारवीं हाला यारवीं शुरू गौस पाक तो नहीं हुई पहले बजुर्गों की याद गौस पाक मनांदे सन उस निस्बत नाल लंगर अज मनसूबी हो गया गौस पाक जुम्मा सारे दिनों का ते बाबा भुले शाह कसूरी फरमाते ने रोज जुमे ते बख्शियां गईयां रोज जुमे ते बख्शियां गईयां मैं जईयां औगनहार जिन्हों बख्शिश की जरूरत है मिल के पड़े रोज जुमे ते बख्शियां गईयां मैं जईयां औगनहार फिर क्यों ना बख्शी जासी फिर क्यों ना बख्शी जासी जड़ी पांच मुकीम गुजार जुमे दी हो रोर बहार बोलो जुमे दी हो रोर बहार पीरवार रोजे ते जावा बाबा भुले शाह कसूरी फरमाते ने पीरवार रोजे ते जावा सब पैगंबर पीर मनावा मैं सब पैगंबर पीर मनावा जद पिया दा दर्शन पावा हो जावा सरशार जुमे दी हो रो होर बा गौसे पाक दी अजमत सुभान अल्लाह असी ते गौस पाक तो सदियां बाद पैदा होए ना ते जुनैद बगदादी गौस पाक दे मुर्शिद दे मुर्शिद दे मुर्शिद दे मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी गौस पाक तो ठेर पहलू पैदा हो पहलू गुजरे बगदाद शरीफ के अंदर मस्जिद के अंदर मिंबर ते बैठे बात फरमाते ने पे जुनैद बगदादी तकरीर करद्या करद्या अचानक मिंबर तो एक दर्जा नीचे आ गए ते अपनी गर्दन चुका दिती किसने पूछा याद रतिए की फरमाया पंजवीं सदी हिजरी विच पंजवीं सदी हिजरी विच ऐस बगदाद शरीफ विच नबी पाक की नस्ल में एक कुतुबुल अखताब पैदा होएगा जिहड़ा ऐलान करेगा मेरा कदम सारे वलियां की गर्दन ते जुनैद बगदादी कहंदे ने
मैं आलमे तसव्वुर विच वेखिया ते मैं सोचिया जिहड़े वली उहदे जमाने च होणगे उहनां दी गर्दन ते मैं ते ढेर पहले आ ते मेरी गर्दन ते नहीं गौस दा पैर। ते फरमांदे ने मैनूं अल्लाह ने छिड़किया डांटिया कुदरत वल्लों डांट पई है कि जुनैद मेरे महबूब नबी पाक दे शहजादे दा कदम गर्दन ते रख के ते उहनूं कोई परेशानी। जदों मैं अब्दुल कादर जिलानी नूं सारे वलियां दा सरदार बनाया ते तू नहीं मानदा। जुनैद बगदादी कहिंदे ने मैं गौस पाक दे अदब विच मिंबर तों इक दर्जा नीचे उतर के मैं भी गर्दन झुका दित्ती। वेख एडे एडे वड्डे वली ते खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी उस वेले अजमेर दे टिब्बियां ते सन। गौस पाक दा ते खाजा अजमेरी दा जमाना एक ही। हजूर दाता साहब लाहौर वाले गौस पाक तों थोड़ा पहले होए ने, जिस तरह बाबा फरीद गंजे शकर गौस पाक तों थोड़ा बाद विच होए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की मुलाकात गौस पाक दे बेटे नाल हुई। जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पेंडा कीता ना बगदाद शरीफ गए तो गौस पाक दे बेटे मिले ने ते फरमाया फरीद दे हिंदी मेरे बाप गौस पाक ने तेरे वास्ते कुछ इमानता रखी ने। एक जुब्बा सी दस्तार सी एक आसा मुबारक सी। ते फरमाया बेटा फरीद दे हिंदी आएगा ए मेरी तरफ ओदी इमानत। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने पैदल कट्ठा सफर किया बगदाद शरीफ। तुसी अंदाजा करो जे बाबा फरीद पैदल सफर करके हाजरी दे रहे ने बगदाद दे वाली दी चौकड़ ते अज बाबा फरीद दी चौकड़ किन्नी वसदी है। ते जे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने पैदल सफर किया गौस पाक दी चौकड़ ते बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी दी चौखड़ किवें वसदी है। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उस दिन जिदन गौस पाक ने ऐलान किया ना मेरा पैर सब वलियां दी गर्दन ते ते खाजा अजमेरी गौस पाक दी एक मनकबत लिखी सी। आओ उर्दू पंजाबी मनकबत ना तां सुनदे हो। मैं खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का फारसी कलाम जिहड़ा गौस पाक की शान में लिखिया वह सुनाउण लगा। रूह खुश हो जाएगी हर किसी। खाजा अजमेरी कहंदे ने या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा। कोई आम चवल किस्म का मौलवी जे बुरा बोलेगा उस पाक नूं ते उहदे बोलन नाल की शान च फर्क पैणा है। इत्थे ते खाजा अजमेरी वर्गियां हस्तियां तरीफां करन डईआं गौस पाक दीआं। ओ यारवीं दीवान वालियो ते यारवीं दा दुध मखसूस करने वालियो ते दुध विच बरकतां हासिल करने वालियो ते गौस पाक दे लंगर पकाण वालियो खुश नसीबो यारी टुटन ना दियो जे गौस पाक दे दरबार नालो। नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसाल नारा रिसाल नारा तहकीक नारा हैदरी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमांदे ने या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा सुल्ताने दो आलम कुतबे उला। ख्वाजा अजमेरी लिख दे सुल्ताने दो आलम कुतबे उला है राज जलालत अर्जो समा। खाजा अजमेरी कहंदे ने मेरे गौस पाक तेरिया शाना वेख के जमीन भी हैरान है ते आसमान भी हैरान। जिहड़ा अगे शेर पढ़न लगा खाजा अजमेरी दा है ते फारसी पर तर्जमा करके समझ आ जाएगा। खाजा साहब की लिखते ने चूं पाए नबी शुद्धता जे सरत ताजे हम आलम शुद्ध कदमत अकताबे जहां दर पेशे दरत अकताबे जहां दर पेशे दरत उफतादा चू पेशे शाह गदा। भावें पढ़े बंदे बैठे ने भावें अनपढ़ बैठे ने पर गौस पाक दे आशिक थे।
जिहड़ा ख्वाजा अजमेरी का शेर मैं सुनाया ते हुण तर्जमा सुनाण लगा, तर्जमा ना के फिर शेर पढ़ांगे ते लुत्फ आएगा। ख्वाजा अजमेरी कहिंदे ने गौस पाक नूं, कहिंदे ने मेरे गौस पाक जिद्दण नबी पाक दा पैर तुहाडे सिर दा ताज बन गया। ए गौस पाक जिद्दण नबी पाक दा पैर तुहाडे सिर दा ताज बन गया ते तुहाडा पैर फिर दोवां जहानां दा ताज बन गया। तुहाडा पैर दोवां जहानां दा ताज बन गया। ए मेरे गौसे पाक सारी दुनिया दे कुतब ते अब्दाल, ए अब्दुल कादर जिलानी तेरी चौखट ते इस तरह डिगे ने जिवें नौकर बादशाह दे सामने डिगदे। ख्वाजा जमीरी कोई आम चवल किस्म का बंदा आके मैं नहीं मनता तो खसमन खोए ना मने, सानू की गरज। गौस पाक दी अजमत ख्वाजा जमेरी बयान कर दे। ओ ख्वाजा जमेरी जिन्हों सुल्तान अल हिंद आख्या जाता है, जिन्हों मुस्तफा की नेमत आख्या जाता है, एक दो नहीं जिन्हें 90 लाख तो ज्यादा हिंदुओं ने मुसलमान किया। एडा वड्डा वली ते ख्वाजा जमेरी भी सैयद, खुद भी सैयद। वो गौस पाक नूं कहिंदे ने गौस पाक जिद्दण नबी पाक दा पैर तुहाडे सिर दा ताज बन गया, उदन तुहाडा पैर सारे वलियां दी गर्दन दा ताज बन गया। ते नाल क्या सारी दुनिया दे गौस ते कुतुब तुहाडे कदमां चिंज डिगे ने जिवें नौकर बादशाहां दी चौखट दे सामने डिगदे। हुण शेर मैं फिर दोहराण लगा, चू ताजे पाए नबी शुद्ध ताजे सरत, चू पाए नबी शुद्ध ताजे सरत, ताजे हमयालम शुद्ध कदम तीर, अकताबे जहां दर पेशे दरत, उफतादा जो पेशे शाह गदा। ते मकता विच ख्वाजा अजमेरी की कहंदे, मकता कहंदे ने शायर आखिरी शेर च अपना नाम लिखदा, ते ख्वाजा अजमेरी आखिरी शेर च अपना नाम लिख के गौस पाक दा की जिक्र करदे। सारी जिंदगी याद रखोगे ते शेर गौर नाल सुन लो। ते ख्वाजा अजमेरी कहंदे ने, मुई के फिदाए नामे तू शुद्ध, दरियूजा गरे इकरामे तू शुद्ध, शुद्ध ख्वाजा अजां के गुलामे तू शुद्ध। एदा तर्जमा सुनोगे ते फिर पता चलेगा शेर की। ख्वाजा जमेरी कहंदे ने गौस पाक नूं, ए मेरे शाहे जिलान मुइनुद्दीन तुहाडे दर दा गदाए, दरयूजा गरे इकराम तू शुद्ध। दरयूजा गर दा माने कासा लैके भीख मंगन वाला। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जमेरी कहंदे ने मेरे गौसे पाक मुइनुद्दीन तुहाडी चौखट ते कासा लैके खड़ा है। जिहड़े दूसरे शेर दे लफ्ज ने सारी जिंदगी खुशी होवेगी गौस पाक दा मुरीद होण दी तुहानू। सुनो ख्वाजा जमेरी कहंदे ने, शुद्ध ख्वाजा अजां के दुनिया वालियो, मैं ख्वाजा क्यों बनिया, मैं ख्वाजा क्यों बनिया ते किवें बनिया। गौस पाक नूं कहंदे ने शुद्ध ख्वाजा अजां के गुलामे तू शुद्ध। ए गौसे पाक जिद्दण दा तुहाडा गुलाम बनिया, दुनिया दा ख्वाजा बन गया। जमात मेरा दिल कर दिया, जेडे सोने तुम इश्तहार छपाए ना गौस पाक दे, आइंदा सार जी फलैक्सा छपाओ ए शेर उत्ते लिखाओ, मुई के गिदाए करामे तू शुद्ध। कि ए गौस पाक मुइनुद्दीन तुहाडा जिद्दण दा गुलाम बने, कासा लैके तुहाडे बूहे ते खलोता है, उदन दा सारी दुनिया दा सरदार बन गया, ख्वाजा बन गया। ख्वाजा जमेरी खुले लफ्जां च कहंदे ने
कि खाजा ता बनया जदों गौस पाक दा गुलाम बनया। हालांकि उस दौर दे वली एक रिवायत के मुताबिक दोनों खाला जाद ने, गौस पाक ते खाजा जमेरी खाला जाद ने। एडा करीबी रिश्ता वे ते इन्नी अजमत को मन दे, शरीके बरादरी वे ते अगले अजमत होवे ते नहीं मन दे। ते वेखो इधर खाजा जमेरी गौस पाक नू की कहंदे, शुद्ध खाजा अजां के गुलाम में तो शुद्ध कहंदे ने मैं खाजा ता बनया वा है अब्दुल कादर जिलानी जिदन दा तुहाडा गुलाम बनया दुनिया दा सरदार बन गया। जिन्हों गल समझ आई उच्ची आखे सुभान अल्लाह। जिहड़ा गौस पाक दा लंगर खांदा भी है पकांदा भी यारवीं मनांदा भी आखे सुभान अल्लाह। जिन्हों यारवीं खा के ईमान ताजा होंदा शिफा मिलदी आखे सुभान अल्लाह। ये मामूली निस्बता नहीं, कौन शाहे जिलान किन्नियां अजमतां शाना वाले ओ बंदियां दी नजर कित्थों तक होंदी। हजरत शेख इब्ने नजाह इन्होंने किसे दसिया गौस पाक जो तकरीर कर देन ते शेर बड़े पढ़ देन। गौस पाक अरबी फारसी कलाम बहुत ज्यादा पढ़ दे सक, तकरीर कलाम बड़ा पढ़ दे सक। हुजूर दे रोजे ते गए ते उत्थे खलो के भी पढ़िया। गौस पाक मदीने शरीफ गए ना, मदीने शरीफ ते उत्थे खलो के फी हालतिल बोदी रूही कुन तोर से लोहा वाहिया तो कब्बिल अरदानी वाहिया नाइबती हाजी नौबत नशवाह कद हादरत फमदुद यमीना का लेकई तहजा बिहां शफती। ओ खतीबा अदीबा नकीबा दा कलाम सुन के दाद देने वाले हो, मैं यारवीं वाले मुर्शिद दा कलाम सुनाया ते कलाम भी ओ जिहड़ा गौस पाक ने रौज़ा रसूल ते खलो के पढ़े। तर्जमा सुनो, गौस पाक रसूल पाक दी कब्र अहमद खलो के कहंदे ने या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान फी हालत बोध जदों मैं दूर साना मदीने पाक ते मैं अपनी रूह नू घलदा हुंदा सां, मेरी रूह मेरी नायब बन के ते मदीने दीआं गलियां चुम के तुर जांदी सी। गौस पाक दे शेर दा तर्जमा, या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान जदों मैं मदीना पाक तो दूर सां अपनी रूह नू घलदा सां उरसे लोहा अपनी रूह नू घलदा सां मदीने दी मिट्टी चुम के तुर जांदी। ते या नबी अल्लाह अज सिर्फ रूह नहीं आई नाल जिस्म भी आया, अज मैं सिर्फ जमीन चुम के कोई नहीं जाना, अज मैं सिर्फ गलियां चुम के कोई नहीं जाना। फब दुद यमीन आखा ए अल्लाह दे रसूल नबियां दे सरदार अपना हाथ कब्रे अनवर चो बाहर कढो मेरे होंठ बोसा देना चाहते। जिवें दा तल्लुक होवे खैर उवें दी पैंदी। ते गौस पाक रसूलुल्लाह दे शहजादे ने, बोलो रसूलुल्लाह दे शहजादे। गौस पाक कहंदे ने जी जदों मैं दूर सां रूह घलदा सां रूह गलियां चुम के जांदी सी, हुजूर अज खाली रूह नहीं आई नाल जिस्म भी है ते अज मैं सिर्फ गलियां चुम के कोई नहीं जाना, मैनू नहीं पता। हाथ बाहर कढो कब्रे अरम चो हाथ बाहर कढो, मुसावा भी करना मैं बोसा भी लैना। उस वेले जिन्ना मजमा खड़ा सी सब ने सिर दियां अखां नाल वेखिया नबी पाक दा हाथ कब्रे अनवर चो बाहर आ गया ते गौस पाक बोसे देंदे ने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अजमत ओ शान ए मुस्तफा, नारा तहकीर, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा गौसिया। हजरत शेख याहिया इब्ने नजाह इन्हां नूं किसे दस्या गौस पाक शेर बड़े पढ़ते ने तकरीर च, शेर बड़े पढ़ते ने कलाम बड़ा पढ़ते ने। उन्हां चादर की बुकर मार के एक धागा सूत्र का लैके ना पिछे बह गए बंदियां च आखर च बह गए धागा चादर तो छुपाया है। अज मैं गिणने ने गौस पाक शेर किन्ने पढ़ते ने, आपने एक शेर पढ़िया तो चादर के लुका के धागे गंढ दी, दूसरा शेर पढ़िया तो दूसरी गंढ दी, तीसरा शेर पढ़िया तो शेख याहिया इब्ने जा तीसरी गंढ दी। गौस पाक जिते बैठे ने तो बंदा हूँ हजार बंदा के पिछे बैठा। गौस पाक मिंबर तो बोले कहने के शेख याहिया मैं खिताब करना गंढा खोलन लई
ਤੁਸੀਂ ਗੰਢਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਇਲਮ ਆ ਖੁਸਬਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੇ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਹਦ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਆ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੌਜੂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੌਜੂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਦੀ ਹੁਣ ਫਨਾ ਬਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਉਹ ਮੌਜੂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਨਾ ਬਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੌਣ ਗੌਸ ਪਾਕ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਡਾ ਕੇ ਲੇਟਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਪੰਜ ਕਬੂਤਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਰਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਤਾਰ ਅੰਦਰ ਉੱਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘੌਂਸਲੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਅਲਾ ਰਹਿਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲਾ ਸ਼ਕੀਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਫਾਤੁਲ ਉਨਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਮਾਨ, ਅਬੂ ਅਮਰ ਉਸਮਾਨ, ਚਾਰ ਪਾਈ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਅਜੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਭਾਨਾ ਮਨ ਇੰਦਹੂ ਖਜ਼ਾਇਨ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਇਨ ਵਮਾ ਯਨਜ਼ਿਲੁ ਹਾ ਇਲਾ ਬਿਕਦਰ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਬੜੇ ਪਾਕ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਲਾ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਭਾਨ ਮਨ ਆਤਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਖਲਕਹੂ ਸੁਮਾ ਹਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਪਾਕੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਤਰੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁੱਲੋ ਮਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਤਿਲ ਇਲਾ ਮਾ ਲਿਲਾਹ ਵਲ ਰਸੂਲ ਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਤਿਲ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਤਿਲ, ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤਿਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਭਾਨ ਮੰਬਾ ਸਲੰਬੀਆ ਹੁਜਤਨ ਅਲਨਾਸ ਵਫਦਲ ਅਲੈਹ ਮੁਹੰਮਦਾ। ਚੌਥਾ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬੜਾ ਪਾਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਇਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਵਾਸਤੇ ਮਖਲੂਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਈਦ ਆਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਫਲੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਹਿਫਲੇ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਦਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅੱਠ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਜਿਬਰੀਲ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ, ਜਿਬਰੀਲ ਵਾਰੇ ਉਹ ਮਲਕੂਤੀ ਕਲਾਮ ਨਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਛਾਲ ਆਏ। ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ ਹਰਿਆ ਸੈਯਦ ਅਲ ਮੁਰਸਲੀ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਏ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਾਦਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਯਾਰਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਏ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਦਰਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
मैं जिबरीले मीन वाला पहला नारा फिर दुरान लगा वा ते फिर उम्मीद रखना मैं इमाम अंबिया दे गुलाम नबी करीम दे उम्मती ते गौस पाक दे मुरीद हक अदा करनगे सुभान अल्लाह दा पूरे पिंड विच आवाज गूंजे इज हर या सैयद अल मुरसली ये सारे नबियां रसूलां दे सरदार तशरीफ लियाओ दूसरा नारा जिबरील ने बुलंद किया इज हर या खातमन नबी ये खत्मे नबूवत दे ताजदार तशरीफ लैओ जेड़ा तीसरा नारा जिबरील अमीन ने लाया नबी करीम का मिलाद सुनो गौसे पाक का जिक्र भी है गौसे पाक के नाना जान का जिक्र भी है सुनो जेड़ा तीसरा नारा जिबरील ने लाया वो सुनने वाला पढ़िया होवे या अनपढ़ शहरी होवे या पेंडू बच्चा होवे या बड़ा औरत होवे या मर्द छोटा होवे या वड्डा हर बंदा उहदा तर्जमा करन तों बगैर उहदी मानवीयत दिलां च आपे उतर जांदी है हजूर दी सिफत इन्नी मशहूर है तर्जमा ना भी कोई करे ते पता चल जांदा है जिहड़ा जिबरील ने तीसरा नारा लाया इस हर या रहमत लिल आलमी ये सारे जहाना दी रहमत आ जाओ ताइयों ते कहने आ साडा सोना नबी हकानी अपने नबी नू हकानी जिहड़ा समझदा उची बोले साडा सोना नबी हकानी जिदा इसम ते जिसम नूरानी लफ़ज़ एडे सोने ने जड़ा उची बोलेगा अल्लाह दे ज़हन नु भी नूर अता फरमाएगा अल्लाह दी रूह नु भी नूर अता फरमाएगा जिदा इसम ते जिसम नूरानी जिदी चन्नू वद जिदी चन्नू वद पहचानी सोना रहमत कुल जहाना दी ओते शान ए सारियां शाना दी ओनू रब मेराज कराया ए सिर ताज लौलाक दा पाया ए ओदा कोई मिसल ना सानी साडा सोना नबी हकानी तो शान मुस्तफा नाराई तहकी नाराई हैदरी नाराई गौसिया जिबरील अमीन ने हजूर दी आमद ते किन्ने नारे लाए सन अठ किन्ने तीन सुने चौथा इज हर या नबी अल्लाह अल्लाह दे नबी जाहिर हो जाओ इज हर या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल जलवा गरी फरमाओ इज हर या खैरा खलकिल्ला सारी मखलूक विचों ज्यादा सोने आ जाओ इज हर या नूरो मिन नूर इल्लाम अल्लाह दे खासुल खास नूर चमक उठो अठवां नारा लाया जिबरील कहंदे ने बिस्मिल्ला तुसी भी बोलो बिस्मिल्ला हुजूर दी आमद ते उची बोलो बिस्मिल्ला जिबरील कहंदे ने बिस्मिल्ला ही इज हर या मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला ये जनाबे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह दे नाम नाल तशरीफ लियाओ ते पर आप किवें तशरीफ लियाए वेखने वाले वेखुठे पुकार उठे वो देखो नूर बरसाता वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया वो यूसुफ थे हुई जिन पर जुलेखा दिल से शैदाई खुदाई क्या मुहम्मद पर खुदा को खुद प्यारा हुजूर जमीन ते जलवा कर हुए ते अर्श की कैफियत सी हुई अनवार की बारिश कदम रखा मुहम्मद ने
زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا تو گل ایک کر رہے سن غوث پاک دی شان بیان کرنے واسطے وہ نوجوان مکان دی چھت تے لیٹے ہے ادھی رات دا ویلا ہو گیا پانچ کبوتر اڑتے ہوئے ویکھے حیران ہو گیا جدو پرندیاں نے عربی گفتگو شروع کی تھی تے ہور حیران ہو گیا چوتھے کبوتر کیا سی سبحان من باس الانبیاء حجتا علی الناس ثم فضل علیہ محمد وہ رب بڑا پاک ہے جنہیں مخلوق دی بہتری واسطے نبی رسول بھیجے تے مڑ سارے نبیاں رسولاں دی سرداری دا سیرا اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ دے سر تے سجا دیتا نوجوان مکان دی چھت تے پرندیاں دیاں بولیاں سندا پیا تے پرندے ہو کے کہو جیاں گلاں کردے نے پڑھیاں لکھیاں مانا خید سچیاں پنجواں کبوتر کہندا ہے یا اہل الغفلات ام مولاکم قوموا الى ربکم رب الکریم یوتی الجزیل و یعفو عن العظیم پنجواں کبوتر کہندے غافلو اپنے مولا نو بھول کے غفلت دی میٹھی نیند سون والیو اٹھو اس رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ غوث پاک دی مرید ہون دا وی تقاضا ہے کہ بندہ نمازاں تے پڑھے نال تہجد بھی پڑھے غوث پاک نے ایک دن فرمایا سی کسے پوچھیا تہاڈا کامل مرید کون ہے پورا مرید کون ہے فرمایا میرا اصل مرید ہوے سفر کردا ہوے ٹھنڈی رات ہوے سردیاں دی تیز بارش ہوے طوفان بادو بارہ ہوے ٹھنڈی ہوا جسم نو چیر کے لنگدی ہوے بارش برس رہی ہوے طوفان بادو بارہ ہوے اودے سر دے اتنے چھت بھی نہیں سفر وچ تے پھر تہجد دا وقت ہو گیا رات ہنیری بدل گجدے ہون بارش برسدی ہوے ٹھنڈی ہوا جسم نو ٹھار دی ہوے تے تہجد دا ویلا ہوے تے غوث پاک فرماندے نے میرا کامل مرید ہوے موسم دیاں تبدیلیاں نو تہجد تو باز نہ رکھ سکن بارش تہجد تو روک نہ سکے ور دے مینہ وچ ہاتھ بن کے نماز تہجد چ کھلو کے انج چمکے جویں 14ویں دا چن چمکدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری علماء اہل سنت و جماعت آدم چشتی مرحوم نے بھی یہ سبق دیتا کہ کہندے نے او نال نیند پیاری تینوں او نال نیند پیاری تینوں تے نال چاویں قرب سجن دا خدمت ولوں جی چراویں تے چا مخدوم بنن دا نال مٹھی نیندر سوویں نالے مٹھی نیندر سوویں تے نالے شوق دیدار کرن اے تے گل کوئی نہ ہوئی نالے مٹھی او نیندر سوویں نالے شوق دیدار کرن دا آزم تن وچ پھسیا رہنے تے سودے کرنا ہے سودا کرنا ہے من دا بڑی جاندار گل دسی ہے غوث پاک دے مریدو سبحان اللہ جویں جویں وقت گزرتا جا رہا ہے غوث پاک دی محفل تے عروج ہوندا جا رہا ہے غلام ہور ہوندے جا رہے نے رحمتاں ہور برسدیاں جا رہی ہیں غوث پاک دی نظر نایت ہور شاملیار ہوندی جا رہی آکھو سبحان اللہ نعرہ غوثیہ جواناں دی طرح جواب دے نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر اے جواب دینا نعرہ غوثیہ ایک بڑی خوش کر دے جنہ زور آئی نعرہ غوثیہ سبحان اللہ
डेरे वसते रहन जिते गौस पाक दे नारे लगते रहे। अल्लाह उन्हां माल वैशियां च बरकतां कसीर दाखल फरमाए जिन्हां दे डेरियां ते यारवीं दे लंगर पकते रहे। तवज्जो है, वह नौजवान ने कबूतरां दीआं गल्लां सुनियां। पंजवां कबूतर की कहंदा, या हलल गफलत यमौलाकुम कूमू इला रब्बिकुम रब्बिन करीम यूतिल जजीला वयाफू अनिल अजीम। ओ गाफिलो, उस मौला के सामने खड़े हो जाओ जिहड़ा नेमत भी वड्डियां वड्डियां देंदा ते गुनाह भी वड्डे वड्डे माफ करदा। हुण गल्लां उंजी बड़ियां पढ़ियां लिखियां माना खेत ते फिर बंदे ने सुनिया कबूतरां दे मूंह चों। तुसीं दसो इहो जी गल ते बंदा बंदे कोल सुणे ते असर करदी ते फिर कबूतरां कोल सुणे ते रात अद्धी नूं ते चाननी रात पुर असरार। उह नौजवान ने कबूतरां दीआं गल्लां सुणियां, मंजी तो उतरिया, कोठे तो उतरिया, वेड़े च आया, वेड़े चो निकलिया तो गली च आया, गलिया के मोड़ मुड़दा मुड़दा पिंडू बहर आके खलो गया तो मूँह हो गया बगदाद शरीफ की तरफ। हुण कहिंदा कबूतरां जिधर तो रहा उधर जाना है अल्लाह की बारगाह वल, पर मैं की करां, मैनू ना राह दा पता ते ना मेरे को रहनुमा। हुण कोई मुर्शद लब्भे, कोई लब्भे रहनुमा जिहड़ा मैनू हाथ फड़ के उस राह ते पाए। ओ बिन मुर्शिद तेनु राह नहीं लभना, रुल मरसे विच राधे 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 हर कोई आखे, ते तू ही आखे राधे बिन मुर्शिद तेनु राह नहीं लभना, ते रुल मरसे विच राधे। वह पिंडू बार हो खलोता है तो मूँह बगदाद शरीफ नूं, हालां तारफ तो नहीं उस पाके नाल, लेकिन आंदे खुदा को मुर्शद भेज। तो हजरत सुल्तान बहू जिहड़ा तर्जमा कीता लगता वो गल कर रहे हैं कि सुन फरियाद पीरां दिया जिहड़ा गौस पाक नूं पीरां दा पीर मनदा वह बोले, बाकी मूँह बंद कर लो। सुन फरियाद पीरां, इंज नहीं जिहड़ा सच्चा गुलाम है गौस पाक दा बोले, सुन फरियाद पीरां दियां ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के। बेड़ा मेरा विच खपरांदे अड़िया जिथे मछ ना बैंदे डर के, शाह जिलानी महबूबे सुभानी, शाह जिलानी गौस पाक दा नाम इना, शाह जिलानी महबूबे सुबहानी मेरी खबर लियो चट कर के। पीर जिना दे मीरा बाबू ओ कंडी लग दे तर के। पिंडू बार खलोते कोई आए कोई आए कोई आए, मैनू राह पाए, मैं की करा परिंदिया मैनू तोरिया रब की बारगाह वर। पंजा कबूतरा ने अल्लाह की बारगाह दियां गल्लां कीतियां, पंजा कबूतरा ने अल्लाह का जिक्र किया, नबियां का जिक्र किया, इमाम उलंबिया का जिक्र किया। वो नौजवान कहते मैं आवारा गर्दियां वाला नौजवान, मेरे शबर रोज़ आवारा गर्दी गुजरते ने, यह परिंदा दियां गल्लां सुनियां ते रब की बारगाह दे दिल में इश्क आया प्यार आया, की करा किवें जाना मैनू पता ही नहीं, मैं की करा, कोई लब्भे मैनू दसे किधर जाना किवें जाना पैर किवें चुकने ने। मियां साहब फरमाते ने, ना फरमाते ने आप तेन दसा किवें जाने,
जहां तू सर दे पैर बना के आरफे खड़ी फरमा देने महबूब की मंजिल का पेंडा इंज नहीं होना जा तू सर दे पैर बना के ओ मगर सजन दे चलू जा तू सर दे पैर बना के ते मगर सजन दे चलू ता फिर परत दलासा दे सी ते समझी संगत रले मैं इत पैर नहीं इत सिर तुरना पे पैर नहीं सिर तुरना पा तू सिर दे पैर बना के ते मगर सजन दे चलू ते फिर की होगा ता फिर परत दलासा दे सी महबूब फिर तेरे दिल ते हाथ रख के तेन दलासा देगा ते संगत न रल जाएगा वह नौजवान पिंडू बाहर निकल के खलोता कोई आए मैं राह पाए मैं की करा हजूर गौस पाक अपने आस्थाने ते नमाज़े तहज्जुद पढ़न लगे तो जनाबे खदर अलैहि सलाम कोलों भी गुजरे गौस पाक जनाबे खदर अलैहि सलाम फरमाते ने जी मेरा काम तो करो उन्हें कहा जनाब दसो उन्हें कहा वो करिया निशीबीन बगदाद तो कई सौ मील दूर नौजवान कोठे ते सुता सी लेटिया सी ते परिंदियां दी गल्लां सुनिया ते उहदे दिल च अल्लाह दी मुहब्बत पैदा हो गई अवारा गर्दियां सी लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हों अपनी बारगाह वल खिंच लिया उन्हें साडा मुरीद होना है उन्हों लै के आओ पाक नूं मामूली शह ना समझ जिवें मेरे नबी नबियां च बेमिसाल ने इवें गौसे पाक कायनात दे वलियां च बेमिसाल ने असुर कुरान पाक च भी सबूत पेश करना पहले गौर कर गौस पाक फरमाते ने मैं मशरक च होवां मेरा मुरीद मगरब च होवे या मैं मगरब च होवां मुरीद मशरक च होवे मैं दुनिया के इस किनारे ते मुरीद दुनिया के उस किनारे ते जे ओदी इज्जत खराब होने का खतरा होवे ते मैं इत्थों पहुंच के ओदी इज्जत नूं कज देंगा किवें पहुंचदे ने मैं भी दसना कुरान चों दसना एक मुरीद ने अर्ज किया गौस पाक दे ने जी अज रोज़ा है रमजान शरीफ सी अज रोज़ा मेरे कोल खोलो ठीक वो गया तो दूसरा मुरीद आ गया जनाब मैं अज अवतारी कराना चाहना फवा कबूल है 71 बंदियां ने दावत दी थी एक रोजे की अवतारी 71 की कबूल कर ली अगले दिन मुरीदीन के मजमे एक बंदा कहना मेरी कितनी खुश नसीबी कल गौस पाक रोजा मेरे को खोले दूसरा कहना गलत बयान कर आपने मेरे को खोले तीसरा तुम दोनों गलत बयान कर दो मेरे को खोले खतरा बंदियां शोर पै गया आंदने वो गौस पाक को पुछ ली जनाब मैं सारे बंदे कह रहे रोजा सारे कि वाल खोले पर मैं 71 सच्चे नहीं मैं सारे वाल खोले हूँ कोई पूछे किमें इधर उधर दिन दलील पेश करेंगे तो कोई कह सकता गल पुरानी है कच्ची इधर तो मैं कुरान चो सबूत पेश कर लगा अल्लाह फरमांदा इन्नहू यराकुम होवा व कबीलहू मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जालना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनू खतीब बदलनगे नकीब बदलनगे नात खां बदलनगे ओ बादशाह बदलनगे वजीर बदलनगे ज़मीर बदलनगे मुशीर बदलनगे निगाहां बदलनगियां दावां बदलनगियां थावां बदलनगियां चावां बदलनगियां हर शह बदलेगी लेकिन अल्लाह का कुरान नहीं बदलना जिहड़ा गौस पाक की महफिल च बैठा उच्ची बोले